हेलो एवरीबॉडी वेलकम टू ट्यूटोरियल्स आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओबेस्टेट्रिक स्कोर की इस वीडियो में हम सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज ग्रेविडा उसके बाद फिर हम देखेंगे व्हाट इज पेरिटी एंड पीरियड ऑफ वायबिलिटी ओके फिर हम देखेंगे ओबेस्टेट्रिक स्कोर जिसमें आता है हमारा जीपैएल सिस्टम और जी टी पैल सिस्टम ठीक है एंड एंड में हम कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे ओके okay? उ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट सी वाट इज ग्रेविडा ओके ग्रेविडा को हम सिंपली डिफाइन करते हैं एज नंबर ऑफ टाइम्स ए वुमेन हैज कंसीव्ड ठीक है एंड इट इज इरेस्पेक्टिव ऑफ द आउटकम इंक्लूडिंग प्रेजेंट प्रेगनेंसी ग्रेविडा में सिंपली हम देखते हैं हाउ मेनी टाइम्स ए वुमन हैज कंसीव्ड इसमें हम आउटकम नहीं देखते हैं ठीक है आउटकम मे बी एनी थिंग आउटकम एबोर्शन हो सकता है इंट्रा डेथ हो सकती है या स्टिल बर्थ या मोलार प्रेगनेंसी लाइव बर्थ ओके इेस्पेक्टिव ऑफ द आउटकम ठीक है हम क्या करेंगे हम सिंपली देखेंगे हाउ मेनी टाइम्स ए वूमन हैज कंसीव्ड ओके बट यहां पर क्या है जो प्रेजेंट प्रेग्नेंसी है प्रेजेंट प्रेग्नेंसी को भी हम इंक्लूड करेंगे किस में ग्रेविडा में ओके सो दिस इज ग्रेविडा नाउ जो टिविन है या ट्रिपलेट प्रेगनेंसीज है दीज आर काउंटेड एज वन ओके दिस इज द ग्रेविडा नाउ लेट्स वट इज पैरिटी ठीक है पैरिटी को हम डिफाइन करते हैं एज नंबर ऑफ प्रीवियस प्रेगनेंसीज विच द पीरियड ऑफ वायाबिलिटी ओके सो इसमें पीरियड ऑफ वाइबिलिटी आता है इसे हम देखेंगे ये क्या होता है बट यहां पर हम प्रीवियस प्रेगनेंसीज को काउंट करते हैं ठीक है जो प्रेजेंट प्रेगनेंसी है वो पैरिटी में नहीं आती है प्रेजेंट प्रेगनेंसी कम्स अंडर ग्रेविडा ओके ना फर्स्ट ऑफ ऑल लेट सी वट इज पीरियड ऑफ वायाबिलिटी ठीक है पीरियड ऑफ वायाबिलिटी मीन्स जिसमें वो पीरियड बियॉन्ड विच द फीटस इज कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस वेन बोर्न ठीक है ओके okay? अगर हम यूएसए की बात करेंगे यूएसए में पीरियड ऑफ वायबिलिटी आता है ट्वेंटी वीक्स बट इंडिया में क्या है इंडिया में पीरियड ऑफ वायबिलिटी इज ट्वेंटी एट वीक्स ओके सो हम ट्वेंटी एट वीक्स को लेंगे एज पीरियड ऑफ वायबिलिटी ठीक है जो प्रेजेंट प्रेगनेंसी है इट इज नॉट इंक्लूडेड इन द पैरिटी ये हमने देखा इट इज इंक्लूडेड अंडर ग्रेविडा ओके एंड जो टिव ट्रिपलेट्स है, रौंगे था रौंगे था so, parity. Parity में क्या है पीरियडिलिटी पीरियडिलिटी क्या है बियॉन्ड ट्वेंटी एट वीक्स लेट्स सी दस्टेट्रिक स्कोर ओबस्टेट्रिक स्कोर में हमारा जी पैल सिस्टम आता है और जी टी पैल सिस्टम आता है जो जी पैल सिस्टम है ये ओल्ड सिस्टम है ठीक है जी टी पैल इज द निवर सिस्टम ओके जी पैल सिस्टम में क्या आता है जी स्टैंड फॉर ग्रेविडा ठीक है पी स्टैंड फॉर पैरिटी पैरिटी में पीरियड ऑफ वायबिलिटी इज ग्रेटर देन ग्रेटर देन और इक्वल टू ट्वेंटी एट वीक्स ओके ए यहां पर होगा एबॉर्शन एबार्शन में क्या क्या आएगा एबॉर्शन में आएगा ऑल प्रेगनेंसी लॉस विद जेस्टेशनल एज लेस देन ट्वेंटी वीक्स इसमें एक्टोपिक एंड मोलर प्रेगनेंसीज आर ऑल्सो काउंटेड एज एबॉर्शन ठीक है जेस्टेशनल एज लेस देन ट्वेंटी वीक्स जिसमें प्रेगनेंसी लॉस होगा एंड एट टॉपिक एंड मोलर प्रेगनेंसीज ये सब एबॉर्शन में आएंगे ओके एंड एल स्टैंड लिविंग चिल्ड्रन एट प्रेजेंट ओके अगर ट्विन्स है तो ट्विन्स आर काउंटेड एज टू ठीक है टू लिविंग चिल्ड्रन ओके अगर ट्रिपलेट्स है दीज आर काउंटेड एज थ्री ठीक है तो दिस इज द जी पैल सिस्टम नाउ लेट सी द दूवर सिस्टम दैट इज जी टी पैल सिस्टम ओके जी टी पैल सिस्टम में जी आता है ग्रेविडा फिर से ज द नंबर ऑफ टाइम्स ए वुमन हैज कंसीव्ड ओके इेस्पेक्ट ऑफ द आउटकम यहां पर जो टी है टी स्टैंड नंबर ऑफ प्रीवियस टर्म प्रेगनेंसीज ओके टर्म प्रेगनेंसीज मीनस थर्टी सेवन टू फोर्टी वन वीक्स ओके प्लस सिक्स डेज ठीक है नव जो यहाँ पर पी है इट स्टैंड नंबर ऑफ प्रीवियस प्री टर्म प्रेगनेंसीज ओके प्री टर्म प्रेगनेंसी पी यहां पर पैरिटी नहीं है इज नंबर ऑफ प्रीवियस प्री टर्म प्रेगनेंसीज प्री टर्म मीन्स ट्वेंटी टू थर्टी सिक्स वीक्स प्लस सिक्स डेज ठीक है सो so, ये हो गया पी हो गया नंबर ऑफ प्री टर्म प्रेगनेंसीज टी हो गया नंबर ऑफ टर्म प्रेगनेंसीज ओके एंड ए सेम नंबर ऑफ एबॉर्शन एबॉर्शन में क्या आएगा प्रेगनेंसी लॉस ऑकरिंग ऑकरिंग लेस देन ट्वेंटी वीक्स जिसमें एक्टोपिक प्रेगनेंसी एंड मोलर प्रेगनेंसी भी आएगी ओके एंड एल इज सेम नंबर ऑफ लिविंग चिल्ड्रन एट प्रेजेंट ठीक है सो दिस इज जी पैल सिस्टम एंड दिस वन इज द जी टी पैल सिस्टम ओके अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए नाउ लेट्स डू सम क्वेश्चन ओके

जी पैर सिस्टम से हम देखेंगे ओके जी मीन ग्रेविडा ओके ग्रेविडा सिंपली मीन्स नंबर ऑफ टाइम्स ए वुमेन है आउटकम इनक्लूडिंग प्रेजेंट प्रेगनेंसी सो हाउ मेनी टाइम्स यहां पर वो, आ, इस वुमेन ने कंसीव किया है सबसे पहले तो होगी प्रेजेंट प्रेगनेंसी वन स्टिल बर्थ हो गया सेकेंड टू ओके टॉटर्स थ्री ओके दिस विल बी काउंटेड एज वन ओके सो वन टू थ्री एंड हिस्ट्री ऑफ ए टॉपिक बर्थ यानी ग्रेविडा इज फोर ठीक है सो so, चार बार इस लेडी ने कंसीव किया है ओके नाउ लेट सी पेरिटी ओके पैरिटी क्या है नंबर ऑफ प्रीवियस प्रेगनेंसीज विच है पीरियड ऑफ वायबिलिटी पीरियड ऑफ वायबिलिटी क्या है ट्वेंटी एट वीक्स ओके प्रीवियस प्रेग्नेंसीज इसमें पैरिटी में हम प्रेजेंट प्रेग्नेंसी को इंक्लूड नहीं करते ओके सो पेरिटी में क्या है बियॉन्ड द पीरियड ऑफ वायबिलिटी दैट इज बियॉन्ड ट्वेंटी एट वीक्स ओके पैरिटी में यहां पर सबसे पहला वाला आएगा दिस स्टिल बर्थ ओके क्योंकि इट हैज गॉन बियॉन्ड द पीरियड ऑफ वायबिलिटी दैट इज बियॉन्ड ट्वेंटी एट वीक्स ओके तो यहाँ पे दिस इज वन ओके एंड डॉटर्स थ्री इय एगो एट थर्टी सिक्स वीक्स ओके सो यहाँ पर हमारा जो पैरिटी है वो क्या आएगा पैरिटी आएगा टू ठीक है स्टिल बर्थ एट थर्टी नाइन वीक्स एंड डॉटर्स एट थर्टी सिक्स वीक्स ऑफ जेस्टेशन ठीक है सो so पैरिटी हो गया टू सी एबॉर्शन ठीक है एबॉर्शन में क्या आता है एबॉर्शन में सिंपली आएगा एक्टोपिक एंड मोल प्रेगनेंसीज और या हम कह सकते हैं प्रेगनेंसी लॉस जिसमें जेस्टेशनल एज लेस देन ट्वेंटी वीक्स है ओके okay? यहां पे अबॉर्शन में देयर इज हिस्ट्री ऑफ एक्टोपिक बर्थ ओके एक्टोपिक बर्थ एक ही है तो अबॉर्शन विल कम एज वन ठीक है उसके बाद लिविंग चिल्ड्रन एट प्रेजेंट ठीक है और लिविंग चिल्ड्रन एट प्रेजेंट जो है इसमें कितने लिविंग चिल्ड्रन एट प्रेजेंट है वी हैव ट्विन ट्विन डॉटर्स डॉटर्स विल बी काउंटेड एज ओके सो दिस इज द जीपैल स्कोर ठीक है जी पैल सिस्टम के हिसाब से ग्रेविडा फोर प्रेजेंट प्रेगनेंसी दिस स्टिल बर्थ ओके डॉटर्स एंड हिस्ट्री ऑफ एक्टॉपिक बर्थ पैरा में टू आएगा स्टिल बर्थ एंड टविन डॉटर्स बिकॉज दिज टू हैव गॉन बियॉन्ड द पीरियड ऑफ वायबिलिटी ठीक है अबॉर्शन में क्या है एक्टॉपिक बर्थ एक है ठीक है एंड लिविंग चिल्ड्रन कितने लिविंग चिल्ड्रन जो है वो ट्विंस दो है ओके सो दिस इज द जी पैल सिस्टम नाउ लेट्स जी टी पैल सिस्टम जी टी पैल सिस्टम ओके इसमें अगेन जी ग्रेविडा ग्रेविडा फिर से फोर ही आएगा ओके नंबर ऑफ टाइम्स आई वुमन हैज ओके नाउ टी टी क्या है यहां पे नंबर ऑफ प्रीवियस टर्म प्रेगनेंसीज ओके प्रीवियस टर्म प्रेगनेंसीज टर्म प्रेगनेंसी मीन्स थर्टी सेवन टू फोर्टी वन वीक्स ओके प्लस एंड प्लस सिक्स डेज ठीक है थर्टी सेवन टू फोर्टी वन वीक्स थर्टी सेवन टू फोर्टी वन वीक्स यहां पर सिर्फ एक प्रेगनेंसी गई है ठीक है

नम, जो पी है नंबर ऑफ प्रीवियस प्री टर्म प्रेगनेंसी है वो भी आएगा वन ओके यहाँ पर हम प्रेजेंट प्रेगनेंसी इसमें काउंट नहीं करते ठीक है प्रेजेंट प्रेगनेंसी जो है वो ग्रेविडा में आता है ठीक है टी में आता है नंबर ऑफ प्रीवियस टर्म प्रेगनेंसीज और पी में क्या आएगा नंबर ऑफ प्रीवियस प्री टर्म प्रेगनेंसीज ठीक है उसके बाद हो गया ए ए स्टैंड फॉर एबॉर्शन एबॉर्शन में सीधे एक्टॉपिक प्रेगनेंसी एक्टॉपिक प्रेगनेंसी एक है ओके okay? उसके बाद एल नंबर ऑफ लिविंग चिल्ड्रन एट प्रेजेंट नंबर ऑफ लिविंग चिल्ड्रन एट प्रेजेंट क्या है ट्वेंट डॉटर्स टू ठीक है तो दिस इज द जी टी पैल सिस्टम ठीक है एंड दिस इज द जी पैल सिस्टम ओके सो गाइज दिस वॉज ऑल अबाउट ओबस्टेट्रिक स्कोर ओके जी पैल सिस्टम एंड जी टी पैल सिस्टम अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ओके थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो